तो मेरा भाव भरा जय जितेंद्र और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। एक्चुअली कोई तैयारी नहीं है, अभी तो हम दर्शन के लिए आए थे गुरुदेव के। आपका परिचय होना बहुत बहुत हो गया। मैं श्वेतांबर ईयर में श्वेतांबर हूँ और ससुराल में दिगंबर हूँ, इसलिए हम लोग 18 दिन के पोजीशन पर्व मनाते हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि जैन परिवार में मेरा जन्म हुआ है और शादी भी मेरी जैन परिवार में हुई है। मैं कल गुरुदेव से मिली, गुरुदेव बहुत खुश हो गए। पहले ऐसा था कि गुरुदेव के पास जाने में या समाज में जाने में हमको थोड़ा सा डर लगता था, क्योंकि मिट्टी में बोलने के बाद किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हमने कई साल छुपा के भी रखा कि हम आर्मी में है ऐसा। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आया है कि नहीं अच्छा है अगर मिलिट्री में है, क्योंकि सब लोग जैनियों को फट्टू किस्म के लोग समझते हैं। सही बात है। वो समझते हैं कि इन्होंने सिर्फ बिल्ली की आंखें देखी, शेर की नहीं देखी, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। मैं बचपन से सोचती थी, बचपन से मेरा ये था, छोटी थी तभी से मैं कुश्ती वगैरह बहुत ज़्यादा खेलती थी, लड़कों के गेम ज़्यादा खेलती थी। सब लोग कहते थे कि तू जैन है, तुझे आगे चल के शादी करके पल्लू में रहना है, ऐसा वैसा। मैं कहती थी समाज में रहूँगी, पल्लू में भी रहूँगी, लेकिन देश के लिए मुझे लड़ना है। क्या बात है, सही। गुरु महाराज को बहुत सानिध्य रहा है और तरुण सागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ हूँ और उन्होंने भी खूब आशीर्वाद दिया है। गुप्तानंद जी महाराज साहब, पवित्र सागर महाराज साहब, तरुण सागर जी को तो मैं बॉर्डर से फ़ोन करती थी, मतलब उनके जो असिस्टेंट थे तो उनको कहती थी कि मेरा बहुत दिल घबराता है कभी कभी कि मैं अपने में चिटी हूँ और किसी मतलब जीव जंतु को नहीं मारती और मैं इतने लोगों को मारती हूँ। तो गुरुदेव कह रहे थे कि जब जब अन्याय हुआ है, सहन करना पड़ा, तो देवों ने नहीं मारा है, देवियों को ही बढ़ता रहना पड़ा। क्या बात है। समाज का मत सोचो। मैं कहती थी समाज मुझे 3 साल समाज ने जाति से बाहर रखा, क्योंकि भाई मैं मिलिट्री में गई हूँ इसलिए। तो गुरुदेव कहते थे कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, यही समाज तुमको आने वाले समय में बहुमान करेगा, तिलक लगा के सत्कार करेगा, और आज वो समय सच में आ गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी हमारे महिला गणों से, ये कहना चाहूँगी कि धर्म तो आप करो ही करो, लेकिन आपके कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि आपको देखकर जो है कोई भी आपको सैल्यूट करे, या आपको देख के आपके दिल में वो उसके दिल में खौफ होना चाहिए कि नहीं नहीं ये लेडीज़ भले ही है लेकिन ये एक वीरांगना है, ये शेरनी है, इसको देखने से मुझे डर लगता है, ऐसा लगना चाहिए। यूँ नहीं कि आपको देखे वो मोहित हो जाए। तो उसके लिए मैं अब गुरुदेव को मैं विनती करूँगी कि सभी जैन महिलाओं को आप रहन सहन के लिए स्पेशली बोल के रही है कि जितना हमारा अंग प्रदर्शन नहीं हो, जितना हमारा सर झुका रहे उतना अच्छा। देखो रास्ते में आज भी हम जाते हैं तो हमारी महिलाओं को देख के कोई भी बोलता है ये मारवाड़ी समाज की है, ये जैन समाज की है। तो ये जो है हमारा हमेशा के लिए रहना चाहिए। जिस तरीके से हम खुद रहते हैं तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को भी रख सकते हैं और अपने बेटियों को भी आप इस तरीके से वीरांगना बनाइए। यूँ नहीं कि मतलब अगर उसको एक लड़की को 100 लड़कों के बराबर बनाना है तो उसको आपको कराटे क्लास सिखाने पड़ेंगे, तलवारबाजी सिखानी पड़ेगी, ना कि आपको डांस क्लास सिखाना पड़ेगा। आप डांस में गायन में डालोगे तो मैन्युफैक्चर में क्या मैन्युफैक्चर होगा, या तो वो श्रीदेवी बनेगी, या तो ऐश्वर्या राय बनेगी, या तो माधुरी दीक्षित बनेगी। अपने पैसा नहीं बनाना है, या तो अगर आप वो नहीं बना सकते तो आप चंदन वाला तो बना ही सकते हैं अपनी बेटी को। क्या बात। जो आपकी बचपन से अभी तक तैयारी थी वो तो आपने एक मिनट बैच देखना।